और आज अटल बिहारी वाजपेयी का तैलचित्र संसद के केंद्रीय कक्ष में केंद्रीय कक्ष की शोभा को बढ़ाएगा और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता हुआ ये कारमा, इसे आप देख रहे हैं, जो देश के पूर्व नेता को अपना सम्मान देने के लिए जा रहा है, जो स्वयं सम्मानित है। और इस केंद्रीय कक्ष में अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न के रूप में, इस केंद्रीय कक्ष में उनका 25वां चित्र होगा। इससे पहले 24 ऐसे महान नेता देश में हुए हैं जिनके तैल चित्र संसद के केंद्रीय कक्ष की शोभा बढ़ा रहे हैं। और इस समय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और केंद्रीय कक्ष की ओर बढ़ रहे हैं, केंद्रीय कक्ष में चले गए हैं। और अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर विशिष्ट अतिथियों को संबोधित करेंगे। आज के इस अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान भारत के माननीय राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद जी, भारतवर्ष के उपराष्ट्रपति माननीय श्री वेंकैया नायडू साहब, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, लोकसभा की अध्यक्ष माननीय श्रीमती सुमित्रा महाजन जी और हमारे राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री गुलाम नबी आजाद साहब और इस अवसर पर उपस्थित सभी गणमान्य सज्जनों, संसद सदस्यों और उपस्थित महानुभाव, आज हम सब एक विशेष प्रयोजन को लेकर संसद के केंद्रीय कक्ष में उपस्थित हुए हैं। इस अवसर पर मैं सभी माननीय अतिथियों का और उपस्थित सज्जनों का संसदीय कार्य मंत्रालय की ओर से हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। माननीय
अटल बिहारी वाजपेयी जी आज जिनके तेल क्षेत्र का लोकार्पण माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से संपन्न हो रहा है, यह हम सबके जीवन में निश्चित रूप से महत्वपूर्ण क्षण है। यह क्षण इस कक्ष के और हम सबके जीवन में उपलब्ध हो, इस निमित्त माननीय राष्ट्रपति जी ने इस कार्यक्रम के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की। इस हेतु मैं माननीय राष्ट्रपति जी का, उपराष्ट्रपति जी का और प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत आभारी हूँ। माननीय अटल जी, हम सब जानते हैं कि सार्वजनिक जीवन में उन्होंने भिन्न भिन्न भूमिकाओं में एक लंबी यात्रा की, लेकिन उनकी यात्रा सफलतम भी रही और उनकी यात्रा आदर्श से भी जुड़ी रही। आज वाजपेयी जी के जीवन को पढ़कर, उन्हें सुनकर, उनके वक्तव्यों को, उनके लेखों को, उनके संसद में दिए गए भाषणों को अगर हम अपने जीवन में अंगीकार करेंगे तो निश्चित रूप से देश को राजनीति की एक नई दिशा दे पाने में सफल होंगे। आज हम सब उनका तेल क्षेत्र यहाँ लोकार्पित कर रहे हैं, यह निश्चित रूप से उनके प्रति हम सब की कृतज्ञता है। यह तेल क्षेत्र लगे इसके लिए माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने बहुत ही त्वरित गति से सभी के साथ बैठकर इसकी तैयारी की और आज यह कार्यक्रम मूर्त रूप ले रहा है। लोक अभियान संस्था, हम सब जानते हैं, विशेष रूप से दिल्ली के लोग 25 वर्षों से अटल जी के जन्मदिन पर एक बहर्द कार्यक्रम का आयोजन करती है और अनेक रचनात्मक क्षेत्रों में भी लोक अभियान संस्था का योगदान है। विजय गोयल जी उस संस्था के अध्यक्ष हैं। यह तेल क्षेत्र लोक अभियान संस्था ने केंद्रीय कक्ष में स्थापित करने हेतु प्रदान किया है। मैं उस संस्था के सभी पदाधिकारियों का हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इस मौके पर आप सभी महानुभावों का पुनः बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है, धन्यवाद। अब माननीय राष्ट्रपति जी से भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के चित्र का अनावरण करने का आग्रह है। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के चित्र को चित्रकार श्री कृष्ण कन्हाई ने बनाया है। माननीय राष्ट्रपति जी अब चित्रकार श्री कृष्ण कन्हाई को सम्मानित करेंगे। और अब राज्यसभा के माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री गुलाम नबी आजाद जी सभा को संबोधित करेंगे। माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय स्पीकर साहिबा तोमर जी और इस सेंट्रल हॉल में सभी नेतागण, इस सेंट्रल हॉल में
राजनीति और सामाजिक जगत के महा योद्धाओं के चित्र लगे हुए हैं जिन्होंने भारत की आजादी में अपना योगदान दिया। और यहां पहले से 4 प्रधानमंत्रियों के चित्र लगे हुए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए और कुछ लोगों ने अपने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। इन महायोद्धाओं के बीच एक और बड़े महायोद्धा जो हमेशा विपक्ष में रहे अधिकतर, उनका चित्र और जो इस देश के प्रधानमंत्री भी रहे अटल माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका चित्र का आज अनिवार्य यहां माननीय राष्ट्रपति जी के हाथ में है। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमेशा याद किए जाएंगे अपने भाषणों के लिए, लेकिन वो इसलिए भी याद किए जाएंगे कि उनके होंठों पे विपक्ष के प्रति तो विरोध रहता था, लेकिन उनके मन में विपक्ष के प्रति कभी क्रोध नहीं रहता था, उसके लिए हमेशा माने जाते। आज समय के अभाव की वजह से मैं सिर्फ 2-3 कोटेशंस उनके पढ़ना चाहूंगा जो उन्होंने 1997 लोकसभा में भारत की आजादी की वर्ष गांठ के अवसर पर कहा था। 50 साल में हमने प्रगति की, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। चुनाव के दौरान वोट मांगते हुए, सरकार की नीतियों पर कठोर से कठोर प्रहार करते हुए और पुरानी सरकार की आलोचना करने के लिए मेरे पास बहुत सामग्री थी, लेकिन मैंने हर जगह कहा है कि मैं उन लोगों से नहीं हूं जो 50 वर्ष की उपलब्धियों पर पानी फेर दे। ऐसा करना देश के प्रशासन पर पानी फेरना होगा, ऐसा करना देश के किसानों के साथ अन्याय करना होगा, मजदूर के साथ ज्यादती करना होगी, आम आदमी के साथ भी वो अच्छा व्यवहार नहीं होगा। ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भाषण था। 1999 में अपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते हुए उन्होंने कहा, धर्म और जाति के नाम पर कोई पोलराइजेशन नहीं होनी चाहिए और राजनीति को 2 खेमों में नहीं बांटना चाहिए जहां एक दूसरे के साथ बातचीत भी न हो सके। अप्रैल 2002 में उन्होंने गोवा में कहा, अगर भारत निरपेक्ष नहीं है, धर्म निरपेक्ष नहीं है, तो भारत भारत नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बड़े नेता के साथ साथ बहुत अच्छे स्पीकर भी थे, लेकिन बहुत अच्छे कवि भी थे। और इस दो एक पंथी जो उन्होंने कही, इसी के साथ मैं अपना भाषण खत्म करता हूं। मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना कि गैरों के गले न लग सको। ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के कुछ अपने जीवन के सिद्धांत थे, लक्ष्य, और यहां इस सदन में आज उनका चित्र लग रहा है। मेरे ख्याल में उनकी जो सोच थी, उस सोच को लेकर हम सब अग्रागर चले तो उनके प्रति सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद।
अब माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन जी गणमान्य अतिथियों को संबोधित करेंगी। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, उपराष्ट्रपति जी, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा गुलाम नबी आजाद जी और हमारे संसदीय कार्य मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी और यहाँ पर उपस्थित, अगर मैं ऐसा कहूँ तो भी गलत नहीं होगा, सभी बहुत महान व्यक्तित्व, कई नेता लोग, सभी जो उपस्थित है सब अटल प्रेमी बंधु भगिनी, ऐसा कह सकते। आज वास्तव में मुझे थोड़ा अच्छा ये लग रहा है कि लोकसभा स्पीकर के नाते मेरे लिए ये बहुत गौरव की बात है कि एक प्रकार से जिनको देखते हुए हम राजनीति में काम करते चले गए, ऐसे हमारे एक आदर्श माननीय अटल जी का तैलचित्र का अनावरण, उसको लगाने की पूरी प्रक्रिया, हमारी जो पोर्ट्रेट समिति है उनको भी मैं सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि केवल बात बोलते से ही सबने कहा हाँ जरूर लगना चाहिए, और ये बात ये दर्शाती है कि एक सर्वप्रिय नेता क्या होता है, उसका ये उदाहरण माननीय अटल जी हैं। मैं इतना ही कहूँगी कि यहाँ इस संसद भवन में, इस सेंट्रल हॉल में जब भी कोई आकर के बैठेगा तो इस चित्र की तरफ ध्यान जाएगा तो राजनीति कैसी करना है, उनके जो कुछ गुण थे कि राजनीति में रहते हुए भी कर्तव्य कठोरता से निर्णय लेते हुए भी अत्यंत संवेदनशील कैसे रहा जाए, इसका ये मूर्तिमंत उदाहरण माननीय अटल जी हैं। दूसरा एक जो गुण मैं आवश्यक मानती हूँ कि अपना मत तो स्पष्टता से कहते थे मगर बहुमत का निर्णय, कई बार विपक्ष में रहते हुए जब ये बात आती थी और इसलिए मेरे भी मन में वो बात है कठोरता से है कि अपने सदन में व्यवहार के अपने नियम पालन करना ही चाहिए, और इसलिए वो भी हमेशा कहते थे कि वेल में नहीं, वो उसको बोलते थे कुएं में कूदना, और ये निर्णय कभी करने का पार्टी में होता भी था कि सदन ठप करना या जो भी करना करना पड़ता है, तब वो अपना निर्णय रखते थे कि मेरे मत में नहीं जाना चाहिए, और फिर हंसते हुए कहते आपको कूदना ही है तो कूदो। ये जो बहुमत का निर्णय मानते हुए जिस तरीके से व्यवहार था, ऐसा ये सर्वमान्य व्यक्तित्व अपनी अलग पहचान रखते हुए सर्वमान्यता में, विरोध में भी कटुता से परे खुशनुमा अंदाज में अपनी बात कैसे रखना, ये सब अगर किसी राजनीतिज्ञ को सीखना है, और इस दृष्टि से मैं मानती हूँ यहाँ सेंट्रल हॉल में ये उनका तैलचित्र लगना अपने आप में महत्वपूर्ण है। एक ही बात कहूँगी, मैं जब यहाँ चुन करके आई, मेरा सौभाग्य रहा बहुत बड़े बड़े लोगों से मार्गदर्शन मिलता रहा, और एक बात माननीय ठेगड़ी जी जो बहुत बड़े चिंतक रहे उनसे कुछ चर्चा, मैं यूं ही जाती थी मिलने, बात करते करते एक प्रकार से उन्होंने कहा सुमित्रा एक बात हमेशा ध्यान रखना कि बड़ा बनना यानी क्या होता है, तू आई है यहाँ कोई केवल नेता नहीं बनना है, और उन्होंने एक उक्ति किसी की मुझे कही थी मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ, और वो लगता है कि कहीं ना कहीं उस उक्ति को सार्थक अटल जी के इसमें होगा। वो कहते थे व्हाट इज ग्रेट मैन, लेंथ ऑफ वन शैडो ऑन फ्यूचर, उसी से ग्रेटनेस तय होता है, और इसलिए मैं कह सकती हूँ अटल जी इज वॉज एंड विल बी ए ग्रेट ग्रेट मैन, इस दृष्टि से कहूँगी। मैं आज एक ही उक्ति जो उनको लगता है उसको उन पर ही ठीक रहेगी, या हमने सबने ये मानना होगा कि अगर हमें राजनीति में रहते हुए या अपने जीवन में कुछ करना है, कुछ पाना है, कुछ अपनी छाप छोड़नी है, तो ये उक्ति जो उन पर लागू होती है हमने भी ध्यान में रखना चाहिए।
कि वदनम प्रसाद सदनम सदयम हृदयम सुधा उचो वाच सदैव प्रसन्न वदन हसमुख रहो हृदय में दया की भावना रखने वाले और अमृत के समान मीठे वचन बोलने वाले करणम परोपकरणम ये शाम केशाम नते वंद्यः और सदैव परोपकार में जैसा देश के लिए ही जियो समाज के लिए करो राजनीति में भी आना हो तो राजनीति भी ऐसी करो कि इस देश के छोटे से छोटे लेकर के बड़े से बड़े व्यक्ति के लिए हम काम कर रहे हैं तो ऐसा अगर कोई व्यक्ति होगा तो भला वो किसी के लिए वंदनीय क्यों नहीं होगा जरूर होगा और माननीय अटल जी ऐसे ही थे। आज का दिन लगता है मेरे लिए तो बहुत बड़ा दिन लग रहा है और आप सबके लिए भी लगता होगा यहाँ जब भी कभी हम आके बैठेंगे ये सभी महान लोगों के चित्र देखते हुए जरूर हम अपने जीवन में कुछ पाते रहेंगे कुछ करते रहेंगे। धन्यवाद। और अब भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विशिष्ट अतिथिगण को संबोधित करेंगे। महामहिम राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, स्पीकर महोदया, गुलाम नबी जी, नरेंद्र सिंह जी, अटल जी के परिवारजन और सभी अटल प्रेमी स्वजनों, पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में अटल जी अब इस नए रूप में हमें आशीर्वाद भी देते रहेंगे और हमें प्रेरणा भी देते रहेंगे। अटल जी के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता के रूप में बहुत सी चीजें कही जा सकती है और एक भी बात दूसरे से कम नहीं हो सकती है। घंटों तक कहा जा सकता है फिर भी पूरा नहीं हो सकता और कम शब्दों में कहने के बाद भी शायद उस विशाल व्यक्तित्व की पहचान भी की जा सकती है। ऐसे व्यक्तित्व बहुत कम होते हैं। इतने साल पार्लियामेंट के गलियारे में जिंदगी गुजारने के बाद भी दशकों तक सत्ता से दूर रहते हुए जन सामान्य की पवित्रता से निष्ठा से सेवा करते रहना, सामान्य मानवी की आवाज को बुलंद करते रहना और व्यक्तिगत जीवन के हित के लिए न कभी रास्ता बदलना, ये अपने आप में सार्वजनिक जीवन में हम जैसे कई कार्यकर्ताओं ने बहुत कुछ सीखने जैसा है। राजनीति में उतार चढ़ाव आए हैं, जय पराजय आए हैं, लेकिन आदर्शों और विचारों से कभी समझौता न करते हुए लक्ष्य की ओर चलते रहना और कभी न कभी उसका सही परिणाम मिलता है, ये हमने अटल जी के जीवन में देखा है। उनके भाषण की बड़ी चर्चा होती है लेकिन शायद भविष्य में कोई मनोवैज्ञानिक दृष्टि से रिसर्च करने वाले व्यक्ति अगर उनकी बड़ी गहराई से एनालिसिस करेंगे तो जितनी ताकत उनके भाषण में थी शायद उससे कई गुना ताकत उनके मौन में थी। वो जनसभा में भी
दो चार वाक्य बोलने के बाद जब मौन हो जाते थे तो ये बड़ा गजब था कि लाखों की जनमेदनी के आखिरी व्यक्ति को भी उस मौन में से मैसेज मिल जाता था। ये कौन सी उनकी कम्युनिकेशन स्किल थी? शायद इस युग में मौन की कम्युनिकेशन स्किल, कब बोलना और कब मौन रहना, वो जो ताकत थी वो अद्भुत थी। उसी प्रकार से वो अपनी मस्ती में रहते थे, कभी साथ में ट्रैवल करने का मौका मिला तो देखते थे कि वो आंखें बंद करके ही रहते थे, ज्यादा बात नहीं करते थे, उनके स्वभाव में था। लेकिन छोटी सी बात में भी व्यंग करना जो उनकी विशेषता थी, कितना ही माहौल गर्म, हमारी पार्टी मीटिंग में कभी माहौल गर्माया भी हो तो ऐसी छोटी सी बात रख देते थे, एकदम से हल्का फुल्का वातावरण कर देते थे। यानी एक प्रकार से परिस्थिति को साध लिया था, उन्होंने अपने भीतर समाहित कर लिया था। ऐसा व्यक्तित्व लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी ताकत होती है, उस ताकत को समर्पित थे। और लोकतंत्र में कोई दुश्मन नहीं होता है, लोकतंत्र में स्पर्धा होती है, प्रतिपक्ष होता है, आदर और सम्मान उसी भाव के साथ बनाए रखना, यह हमारी नई पीढ़ी के लिए सबको सीखने जैसा है, हम सबने सीखने जैसा है कि हम किस प्रकार से प्रतिस्पर्धी को भी, कठोरतम आलोचना को भी आदर के साथ, सम्मान के साथ उस व्यक्तित्व की तरफ देखते रहे, ये अटल जी से सीखने वाला विषय है। आज अटल जी को आदरांजलि अर्पित करने का ये अवसर है। मैं मेरी तरफ से, सदन के मेरे सभी साथियों की तरफ से आदरणीय अटल जी को आदरांजलि देता हूं। और अब भारत के माननीय उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति श्री वेंकैया नायडू जी गणमान्य अतिथियों को संबोधित करेंगे। माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय लोकसभा अध्यक्षा जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा, माननीय संसदीय कार्य मंत्री और सम्माननीय सदस्य गण, मित्रों, आई एम रियली हैप्पी टू बी विथ ऑल ऑफ यू टुडे दिस मॉर्निंग फॉर दिस सेरेमनी ऑफ अनवीरिंग द पोर्ट्रेट ऑफ भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी is one of the tallest leaders of contemporary India who has left behind him an impressive, lasting legacy that could inspire all of us to shape the India we all are dreaming of. He had a... Atalji, as we fondly call him and as he is known, was a visionary leader who ushered in a connectivity revolution in the country. The nation will always remember him. He gave an unprecedented flip to building of national highways, rural roads, air travel, infrastructure, and massive expansion of telecom sector. For him, connectivity was the key enabler of economic development and national growth. He will be remembered forever for his contribution to the extraordinary connectivity revolution. He had an uncanny ability to connect with people from all walks of life and with political parties of different ideological moorings. Atalji had virtually no enemies and was rightly called as Ajatasatru. Atalji was a staunch nationalist to the core and a firm believer in democratic principles. His words will continue to resonate with each one of us when we reflect on our country's past, present and future. He said, I quote, "The tree of our democracy is strong, but should not happen that its roots may become weak while it continues to gain strength outwardly. This is the duty we have to fulfill." He strengthened these democratic roots through his insightful interventions and exemplary demeanor in parliament.
He exemplified what his strengthening of democracy meant through his ability to make coalition government work. He demonstrated how democracy can be deepened through good governance. He will be always remembered for the good governance he has provided to the country. He combined in himself the art of poet, the mind of a strategist. His disarming smile added grace to tough, clear-headed decision-making ability. The underground nuclear test in 1998 and the decisive victory in the Kargil War in 1999 speak volumes of his steely resolve to strengthen India's defense capability. His vision for India, expressed in his characteristic poetic expression, is worth noting. He has said, "It is not the defeated soldier's drumbeat of despair, but the fighting warrior's will to win." In many ways, this echoes the vision of today's aspiration India. It is the turning of a resurgent India. In the present days, my dear parliamentarians, political discourse is going down. People are concerned about it. It's a matter of great concern. Remember, political parties are not enemies of each other. They are only rivals. That should be the spirit. We must all try to raise the level of debate, follow the principles of discuss, debate, and decide, then disrupt, and see that our parliament sets new standards in public life. That will be a real tribute to this great leader of this great country. It is this urge to surge forward, to innovate, to be in the forefront of global endeavors, to collectively move towards that India we all want, would be a fitting homage to Sri Atal Bihari Vajpayee ji. He was a great administrator, great politician, great orator, great parliamentarian, great prime minister, and then above all, a great human being and a great role model for all the people in public life. And we pay tribute to his memory. The only thing we should do is remember the standards set in by this great leader and also the contribution he has made for the betterment of humanity, particularly of our country, and the way in which he has taken the image of India in the international community and tried to follow his footsteps. That will be a real tribute. Be tolerant towards others' views. Be tolerant towards the mandate of the people. Thank you very much. Namaskar. Maniyo Prashtrapati ji. Aur ab, Bharat ke maniniye Rashtrapati Vishishta Sabha ko sambodhit karenge. भारत रत्न से अलंकृत देश के सर्वमान्य और सर्वप्रिय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के चित्र के अनावरण के ऐतिहासिक अवसर पर संसद के सेंट्रल हॉल में उपस्थित उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति श्री एम वेंकैया नायडू जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन जी, संसदीय कार्य मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री गुलाम नबी आजाद जी, सभी मंत्री एवं सांसदगण, गणमान्य अतिथियों, आधुनिक भारत के इतिहास के अनेक निर्णायक अवसरों के साक्षी रहे इस सेंट्रल हॉल में आज हम एक महान विभूति को स्मरण करने के लिए एकत्र हुए हैं। सन 2015 में अटल जी को भारत रत्न से अलंकृत करके कृतज्ञ राष्ट्र ने उनके प्रति अपना आदर व्यक्त किया था। आज इस सेंट्रल हॉल में देश की अन्य विभूतियों के चित्रों के साथ उनके चित्र को स्थान देने के निर्णय के लिए मैं दोनों सदनों के सांसदों की बहुदलीय पोर्ट्रेट कमेटी के भी सभी सदस्यों को साधुवाद और बधाई देता हूं।
भारतीय राजनीति के महानायकों में अटल जी को हमेशा याद किया जाएगा। उनके महान व्यक्तित्व में परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाली विशेषताएं सहज ही घुली मिली थी। यह समन्वय और सामंजस्य उनके नाम में ही समाहित था और वे अपने नाम को चरितार्थ करते रहे। वे जितने अटल, अविचल और दृढ़ प्रतिज्ञ थे, उतने ही विहारी, गतिशील और सक्रिय भी थे। युद्ध क्षेत्र में भी स्थित प्रज्ञ रहने की जो शिक्षा हमारी परंपरा में दी जाती है, उसके उदाहरण के रूप में अटल जी ने सक्रिय राजनीति में अपना अलग स्थान बनाया। राजनीति में विजय और पराजय को स्वीकार करने में जिस सहजता और गरिमा का परिचय उन्होंने दिया है, वो हम सभी के लिए अनुकरणीय है। वे विपरीत परिस्थितियों में धैर्य की मिसाल थे। अपने जीवन के कठिनतम क्षणों में भी अटल जी ने एक पंक्ति लिखी थी, जिसका मैं उद्धरण करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि चीर निशा का वक्ष पुनः चमकेगा दिनकर। उनकी यह पंक्ति सार्थक हुई और वे स्वयं भी सूर्य की तरह भारतीय राजनीति के क्षितिज पर चमकते रहे। यहाँ बैठे हुए अनेक सदस्यों का अटल जी से व्यक्तिगत परिचय और संबंध रहा है। आप सब जानते हैं कि जितनी प्रखर उनकी बुद्धि थी, उतनी ही व्यापक थी उनकी संवेदनाएं। उनमें जितनी गंभीरता थी, उतनी ही विनोद प्रियता भी। उनमें हंसते हंसते गहरी बातें कह जाने की विलक्षण क्षमता थी। वे जितने उदार और क्षमाशील थे, उतनी ही स्पष्टता और दृढ़ता के साथ राष्ट्रहित में निर्णय लिया करते थे। मेरे निजी जीवन पर भी उनका गहरा प्रभाव पड़ा। उनके अद्भुत व्यक्तित्व ने मुझे सार्वजनिक जीवन के प्रति आकर्षित किया। मुझे उनके साथ संसद में एक सहयोगी के रूप में काम करने का भी सुअवसर मिला। उनसे जुड़े अनेक संस्मरण मेरी स्मृतियों में अंकित हैं। अटल जी की ओजस्वी वाणी के असाधारण प्रभाव से तो हम सभी परिचित हैं ही, उनका मौन भी उतना ही मुखर और प्रभावी होता था। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने के बाद मैं उनसे मिलने गया। काफ़ी अस्वस्थ होने के बावजूद उन्होंने अपनी आँखों के इशारे से मेरा अभिवादन स्वीकार किया। उनके उस मौन संवाद में जो आत्मीयता, शुभेच्छा और गहराई मैंने महसूस की, वो मुझे हमेशा प्रेरित करती रहेगी। यह कहा जा सकता है कि अटल जी अपने आप में सार्वजनिक जीवन की एक पाठशाला थे। उनसे हमारे असंख्य समकालीनों ने बहुत कुछ सीखा है। अटल जी की सबसे बड़ी विशेषता जो उन्हें सबसे अलग और ऊपर प्रतिष्ठित करती थी, वह थी उनकी गहरी संवेदनशीलता। अटल जी कहा करते थे कि यदि किसी राजनेता की आस्था कविता में है, तो उसकी राजनीति भी मानवीय संवेदनाओं पर आधारित होगी। जब एक अच्छा कवि सार्वजनिक जीवन में आकर एक कर्मयोगी लोक सेवक बनता है, तब अटल बिहारी वाजपेयी जैसे कालजयी कवि राजनेता का उदय होता है। एक पत्रकार के रूप में भी अटल जी ने श्रेष्ठ चिंतन, लेखन और संपादन के प्रभावशाली मानदंड स्थापित किए। एक सांसद के रूप में अटल जी 2 बार राज्यसभा और 10 बार लोकसभा के सदस्य चुने गए। विपक्ष के सांसद के रूप में और विदेश मंत्री तथा प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपनी अलग और अमिट छाप छोड़ी। दलगत राजनीति की अनिवार्यता में भी वे सदैव संकीर्णताओं से ऊपर रहते थे। राष्ट्रहित ही उनके लिए हमेशा सर्वोपरि था। उन्होंने संसद से संयुक्त राष्ट्र तक सदैव एक ही संदेश मुखरित किया, वह था भारत की संस्कृति में निहित वसुधैव कुटुंबकम का संदेश, भारत के आत्मगौरव का संदेश। इस आत्मगौरव का परिचय देते हुए उन्होंने सन 1977 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री के रूप में अपना भाषण हिंदी में दिया।
संयुक्त राष्ट्र में एक भारतीय भाषा में भाषण देने वाले वो पहले राजनेता थे। राष्ट्रहित को सबसे ऊपर रखने वाले अटल जी सन 1971 के युद्ध में तत्कालीन सरकार के समर्थन में दृढ़ता के साथ खड़े रहे। सन 1994 में उन्हें तत्कालीन सरकार द्वारा कश्मीर के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मुख भारत का पक्ष प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जो उन्होंने बखूबी निभाई। इस प्रकार अटल जी लोकतांत्रिक आदर्शों और राष्ट्रप्रेम की शानदार मिसाल प्रस्तुत करते थे। उन्होंने सत्ता हासिल करने या बचाने के लिए मूलभूत सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में निर्णायक नेतृत्व प्रदान किया। पोखरण में 1998 का परमाणु परीक्षण और 1999 का कारगिल युद्ध राष्ट्रहित में लिए गए उनके दृढ़तापूर्ण निर्णयों के कुछ उदाहरण हैं। उनकी दूरदर्शिता, नीतियों और नेतृत्व के फलस्वरूप भारत ने 21वीं सदी में एक नई गतिशीलता के साथ प्रवेश किया और विश्व पटल पर अपनी शक्तिशाली पहचान बनाई। देश की नदियों और जल संसाधनों के उपयोग के लिए पहल करना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के माध्यम से पूरे राष्ट्र को जोड़ने में सुगमता प्रदान करना, आवास निर्माण को प्रोत्साहन देकर साधारण आय वर्ग के लोगों के लिए घर सुलभ कराना, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम क्षेत्रों में तेज गति से विकास का वातावरण उपलब्ध कराना हमारे बहादुर जवानों, मेहनती किसानों और निष्ठावान वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाएं लागू करना और पूरे विश्व में भारत को शांतिप्रिय परंतु शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित करना अटल जी के अनेक बहुमूल्य योगदानों में शामिल है। अटल जी का सपना था कि इतिहास में 21वीं सदी को भारत की सदी के रूप में पहचाना जाए। उनके सम्मान में मैं आप सबके सम्मुख उनके स्वप्न और संकल्प को उन्हीं के शब्दों में व्यक्त करना चाहूँगा। अटल जी ने कहा था, सभी सपने साकार करना है, मिलकर रास्ता पार करना है। आइए इस संकल्प को दोहराएं और नई सदी को भारत की सदी बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी। और अब राष्ट्रगान। गुलाम जी, गुलाम नबी आजाद साहब, और ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और भारत रत्न उनका जो तैलचित्र है वो संसद के केंद्रीय कक्ष में लगाया गया, उसका लोकार्पण हुआ और सभी जो वरिष्ठ नेता थे उनके भाषण हुए पूरे कार्यक्रम के दौरान।